हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रिजल्ट से रिलेटेड, देखिए मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक की रिजल्ट का मौसम है, ओके, एंड अलग अलग कंपनी अलग अलग रिजल्ट पेश करेगी, तो सारे रिजल्ट हम नहीं पढ़ सकते, बट जो कंपनी अच्छी है, जो हमारे पोर्टफोलियो में, जिसके बारे में हमेशा बातें करते हैं, उससे रिलेटेड बातें हम डेफिनेटली करेंगे। तो अभी TCS के रिजल्ट आ गए हैं, उसने अपने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है, उसने डिविडेंड भी अच्छा खासा दिया है, जो कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे कि 15 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो वो सब चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास लाते रहे। एज वेल एज अगर बात करें, यहाँ नीचे आपको वीडियोज़ मिल जाएगी, यहाँ पर एक IT शेयर है, ओके, उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो मैंने बनाई है, छोटा शेयर है और काफ़ी अच्छे इसका बिजनेस मॉडल भी है, एज वेल एज अच्छे खासे रिजल्ट भी इसने, मतलब रिजल्ट इन द सेंस कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट देती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर और भी वीडियो, यहाँ IRCTC हिंदुस्तान गैस और अडानी गैस से रिलेटेड वीडियो है कि शेयर गिरे है तो एक अपॉर्चुनिटी है, और बाकी अडानी और वॉलमार्ट से रिलेटेड कोई डील हुई है उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाई है। इस एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका अकाउंट ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन होगा। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार श्रद्धा अनुसार दान दे, और दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी हम बात करने वाले हैं TCS के रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा TCS के रिजल्ट है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पर डिविडेंड देते हुए नजर आया, तो हम यहाँ पर अगर पढ़ते हैं, बोर्ड मीटिंग हेल्ड टूडे, ओके, एंड उन्होंने क्या रिकमेंड किया, फाइनल डिविडेंड। तो इस साल का जो फाइनल डिविडेंड है, मतलब इंटरिम डिविडेंड होता है, कंपनी ने 3 से 4 बार इंटरिम डिविडेंड दिए हैं, और बात करें इस बार इन्होंने अपना फाइनल डिविडेंड पेश कर दिया है, जो कि कितने रुपये का है, 15 रुपये का। तो TCS के पास, मतलब जिसके जिनके पास भी 15 रुपये का मतलब शेयर है इनका, तो 15 रुपये का आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। कब मिलता हुआ नजर आएगा तो वो हम देख लेंगे अभी आगे चल के। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो देखिए फाइनेंशियल्स रिजल्ट इनके यहाँ पर है, तो हम फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर बातें कर लेते हैं। तो ये आप शायद आपको दिख ही रहा होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर जो ये रिजल्ट है March 31, 2020 का रिज़ल्ट है, जो कि अगले लास्ट ईयर का है। अगर बात करें ये December 31, 2020 का, जो कि थर्ड क्वार्टर का है यहाँ पर रिज़ल्ट, और अगर बात करें यहाँ पर ये जो रिज़ल्ट है 31 मार्च 2020, जो 2021 जो कि अभी का Q4 का रिज़ल्ट है, फ्रेश रिज़ल्ट है। तो हम कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि क्या कहते हैं कंपनी ने अच्छा रिज़ल्ट पेश किया है या नहीं किया है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कंपनी ने क्या बिजनेस करती है और उस बिजनेस से क्या पैसा आता है, उससे रिवेन्यू क्या होती है, तो वो मेन होता है और उसे ही हमेशा देखना चाहिए। अदर इनकम को हमें कभी नहीं देखना चाहिए, अदर इनकम घटती बढ़ती रहती है, बट रिवेन्यू एंड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे मेन होता है। तो यहां पर अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर में, ओके, इसी साल Q4 में 2020 में 39,946, ओके, यहाँ पर करोड़ रुपीस की बात हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं करोड़, तो यहाँ पर रुपीस की बात हो रही है, मतलब 39,946 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑपरेशन रेवेन्यू था। अगर बात की जाए यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में 42,000 करोड़ के लगभग का यहाँ रेवेन्यू था, और बात करें इस वाले क्वार्टर की, तो इसने अच्छा खासा जंप देख रहा है, 43,705। तो अगर हम बात करते हैं ईयरली बेस पे, तो अच्छा खासा जंप दिख रहा है, और एज वेल बात करते हो क्वार्टरली बेस पे, तो वो भी अच्छा खासा जंप हमें दिखाई दे रहा है। बाकी अदर इनकम भी आप यहां पर देख सकते हैं, अदर इनकम में भी जंप है ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे। अदर इनकम इतना मायने नहीं रखती, जो मायने रखता है ऑपरेशन से, जो हमारी बिजनेस होता है उससे। अगर बात करें टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम लास्ट ईयर में इस क्वार्टर में 40,000 का लगभग था, 40,684 करोड़। इसके अलावा बात करें इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं 42,706 करोड़, जो कि Q3 का था, और बात करें इसका Q4 का 2020 का जो Q4 का रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 44,636 करोड़ रुपए का यहाँ पर टोटल इनकम होती हुई नजर आ रही है। अगर हम एक्सपेंस भी देखते हैं, तो कंपनी के अलग अलग एक्सपेंस हुए हैं, बट टोटल एक्सपेंस से हम सीधे आ जाते हैं। तो लास्ट ईयर के जो इस क्वार्टर में जो रिजल्ट था Q4 में, यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस लगभग यहाँ पर 29,921 करोड़ का एक्सपेंस किया था, जो कि लास्ट क्वार्टर में Q3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं 30,831 था, और जो कि अभी हमें जो साफ दिखाई दे रहा है 31,971। तो हमारा अगर यहाँ पर जो ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ पर एक्सपेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एक्सपेंस, यहाँ पर एम्प्लॉइज बेनिफिट के लिए जो एक्सपेंस हुआ है, फील
फीस ऑफ द एक्सटर्नल कंसल्टेंट, तो यहाँ पर अलग अलग एक्सपेंस हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स नहीं दिया है उससे पहले का जो प्रॉफिट हमें आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10,512 करोड़ रुपए का। अगर हम रेवेन्यू में से जो एक्सपेंस घटा देते हैं तो हमारा ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर 10,512 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके बाद अगर बात करें इस Q3 की, तो Q3 में 11,692 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट यहाँ पर नजर आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स PBT की बात करें। अगर बात करें इस बार की, तो 12,527 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें नजर आता है, जो कि ईयरली और क्वार्टरली बेस पे हमें जंप दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं टोटल टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स NPAT नेट प्रॉफिट की बात अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8,093 करोड़ का प्रॉफिट जो कि लास्ट Q4 में हुआ था। अगर बात करें यहाँ पर Q3 की, तो 8,727 जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी जंप थी, और बात करें यहाँ पर ईयरली बेसिस, तो ईयरली बेसिस एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे भी यहाँ पर जंप दिखाई दे रही है 9,282 करोड़ रुपये का प्रॉफिट। तो अगर बात करें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे अपने रिजल्ट पेश करे हैं, जो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट पेश करेगी जस्ट बिकॉज ऑफ एसेंचर ने अच्छे खासे रिजल्ट पेश करे थे, सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे है जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS, अगर आपको रिजल्ट देखना नहीं आता कोई बात नहीं, सिंपल है वैसे तो, अगर फिर भी नहीं आता नॉर्मल अगर ऊपर से हम देखते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं इसका EPS मतलब अर्निंग पर शेयर, अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है तो समझ लीजिए कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रही है, कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज डूइंग अ गुड बिजनेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21.45 रुपये का यहाँ पर लास्ट क्वार्टर का यहाँ पर मतलब Q4 का 2019 का यहाँ पर रिजल्ट है। अगर बात करें 23 रुपये यहाँ पर लास्ट क्वार्टर का है, और इस बार का जो Q4 का जो यहाँ पर EPS है 24.97 रुपये, लगभग 25 रुपये के आसपास का यहाँ पर है। बाकी डिविडेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने आपके लिए अनाउंस किया है। यहाँ पर अगर और भी नीचे जाएंगे तो अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन्होंने रेवेन्यू इनका हुआ है, तो इस चीज़ को आप जा सकते हैं। तो रिजल्ट कहाँ से निकालना है, BSE पे जाइएगा, BSE पे अगर आप कॉर्पोरेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वहाँ पर अलग अलग वहाँ पर दिखा रखा है रिजल्ट, वहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, तो आप वहाँ से अपने रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं TCS के, यहाँ पर कुछ न्यूज़ से रिलेटेड भी बातें कर लेते हैं, तो देखिए पैट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जो राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो 15% का यहाँ पर जंप दिखाई गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एज वेल एज बात करें Q4 का प्रॉफिट में जंप, तो 6.3% का यहाँ पर जंप दिखाया गया है जो कि ईयर यहाँ पर हम देख सकते हैं Q4 प्रॉफिट जंप्स Q 6.3% का यहाँ पर जंप सीधा हमें नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा इन्होंने रिजल्ट पेश किया है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। ओके, सेगमेंट वाइज भी आप अलग अलग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर आपको इनकी अलग अलग वेबसाइट में चले जाएंगे तो आपको दिखा देगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अलग अलग पैसे रिटेल के बिजनेस से, हेल्थ केयर के बिजनेस से, लाइफ साइंस के बिजनेस से, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस से पैसे कमाए हैं, 15 रुपये का डिविडेंड दिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको शॉर्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा बात करें, आज मार्केट वॉलेटिलिटी मतलब अच्छा खासा गिरी हुई थी, इस वजह से 2.17% की यहाँ पर गिरावट थी लगभग 72 रुपये की। और हम यहाँ पर देखते हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मुझे आज एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट विषय कितना भी गिरा हो तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कंपनी भागेगी और हमारा जो टारगेट लगभग 3500 रुपये के आसपास था वो अचीव करेगी, तो वो अचीव होता हुआ हमें नहीं दिखा। बट हाँ, मुझे लग रहा है कि कल की डेट में आफ्टर जो ये रिजल्ट पेश करे कंपनी भागती हुई हमें नज़र आएगी और कल की डेट में शायद हमें प्राइस में एप्रिशिएशन मिलता हुआ नजर आएगा। अगर बात करें यहाँ पर रिजल्ट, यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैपिटल लगभग 12,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप, सॉरी 12,00,000 करोड़ का यहाँ मार्केट कैपिटल नजर आ रहा है। कंपनी ने के पास ना के बराबर यहाँ पर कर्ज है, और यहाँ पर प्लेजिंग की बात करें 2.94% की यहाँ पर प्लेजिंग है, और रिजल्ट हमने देख ही लिया है किस तरीके के रिजल्ट है। बट बैलेंस शीट देखते हैं तो लगभग 94,762 करोड़ के रिजर्व्स है कंपनी के पास। बोरिंग की बात करें तो कंपनी के पास 7,882 करोड़ की यहाँ पर बोरिंग भी है, ओके, जो कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं इंटरेस्ट के रूप में तो कंपनी का बोरिंग थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है।
बट कोई इशू नहीं है, TCS है, TCS से है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हैं, प्लेजिंग थोड़ी बहुत है 2% के आसपास, फॉरेन इन्वेस्टर अच्छे खासे है, DIS अच्छे खासे है, पब्लिक के पास भी 4% के लगभग यहाँ पर होल्डिंग है। तो कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, सब कुछ अच्छा है। अगर हम यहाँ पर इनकी एक बार वेबसाइट पर भी अगर हम चल जाके एक बार देख लेते हैं, कि ये इनका अगर हम बात करें EPS की, मतलब इन्होंने जो डिविडेंड दिया है इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज़ दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटिंग हेल्ड 15 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड देते हुए यहाँ नज़र आए हैं। तो इसकी एक्सडेट क्या है वो अभी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, तो एक्सडेट से पहले आपको एक दिन पहले लेना होगा तो आपको इसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको कल की वीडियो में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो थी। TCS के रिज़ल्ट आ गए हैं, और भी इन्फोसिस के आने वाले हैं, मंट्री के आने वाले हैं, विप्रो के आने वाले हैं, हम सभी के रिज़ल्ट एक वन बाई वन पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें इन कंपनी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सिंपल रिज़ल्ट किस लिए होते हैं, रिज़ल्ट इसलिए ही होते हैं ताकि हमें उनकी परफॉर्मेंस पता चले, क्योंकि हमारा जो पैसा हमने कंपनी में लगाया है वो अगर कंपनी बिजनेस कर रही है तो अच्छा बिजनेस कर रही है तो ऑब्वियसली बात है हमारा प्राइस में अप्रिसिएशन होता रहेगा। तो इसीलिए हम रिजल्ट देखते हैं जो कि TCS के अनाउंस पहली बार हो गए हैं। यहाँ पर हम Q4 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, जो कि अच्छी बात है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे लोगों को इसके साथ कनेक्ट करें ताकि इस तरीके की वीडियो शेयर बाजार से रिलेटेड आपको मिलती रहे। सो थैंक यू so much. God bless.